हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम आज देखेंगे बुक एवं लेखक यानी पुस्तक एवं लेखक 2024 जो कि लेटेस्ट पब्लिश्ड 2024 में 103 बुक का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया। तो यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, सरसी बैंक, UPSC या फिर स्टेट एग्जाम या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किसने बुक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनी आर्फेन बेग ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। देश यूनाइटेड किंगडम किसके द्वारा बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड का दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्मरण यादें और यादें के लेखक कौन है जिन्हें 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पा भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास रौद्र सात्विकम के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव वर्मा। आप इमेज में भी देख सकते हैं, प्रभाव वर्मा की उपन्यास है रौद्र सात्विकम। अगला प्रश्न है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कोट क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र चंद्र अश्विन। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अपने बहुप्रतीक्षित संस्मरण को रिलीज करने की योजना का खुलासा किया, जिसका शीर्षक है सोर्स कोड माई विगनिंग्स। अगला प्रश्न है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपना 99वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई किताब होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स का प्रशंसकों के साथ विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्लोल भट्टाचार्य। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्लोल भट्टाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेन वाटसन। ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं। द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक हैं शेन वाटसन। अपनी पुस्तक द विनर्स माइंड सेट में वाटसन ने अंतर्दृष्टि रणनीतियों को साझा किया है, जिसने उन्हें अपने डर पर विजय प्राप्त करने और अपने क्रिकेट करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौम्य अवस्थी और श्रभना वरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हेवनली आईलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, P.S. श्रीधरन पिल्लई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जस्ट ए मर्सिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो महास्वपनिकुड़ू पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, P.V. के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। यह सब बुक लेटेस्ट पब्लिश किया गया तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव जोशी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एवं नारायण मूर्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रा बनर्जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक की लिखी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द मोल्ड रीमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित लांबा व रघु राम राजन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का सामवेद विमोचन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर YS राजन के द्वारा यह बुक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनल गोयल के द्वारा नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न है, इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ला एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ B&C दोनों, अमिताभ घोष और सीमा सिंह
अमिताभ घो सॉरी सीमा सिंह और रमन मित्तल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द ला एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अगला प्रश्न है, थ्रेड बॉय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी सत्य सरन। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्पिरेंसी टू आउटस्टट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोडबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, जर्मन लेखक जेनी अर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन ने किस कथा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैरोश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरीश खुल्लर। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रॉम ए कार से टू द कार्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस रमन। एस रमन के द्वारा लिखी गई बुक है फ्रॉम ए कार से टू द कार्नर रूम एंड बियॉन्ड। अगला प्रश्न है, फ्लैट स्पेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोरिन मसूद के द्वारा फ्लैट स्पेस नामक पुस्तक लिखा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑल दैट सी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिया माइल्स के द्वारा ऑल दैट सी कैरी नामक पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न है, हाउ टू से वेबिलोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सफिया सिंक्लेयर के द्वारा लिखा गया, आप इमेज में भी देख सकते हैं सेफिया सिंक्लर। अगला प्रश्न है, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी ट्विंकल खन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द मोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन के द्वारा ब्रेकिंग द मोल्ड नामक पुस्तक लिखा गया। आंसर अगला प्रश्न है, ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिनेटिंग द एंड्स ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अश्वनी कुमार। अगला प्रश्न है, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चारू निवेदिता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारमी फेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अनुराग पाठक के द्वारा बारहवीं फेल नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, G20@2023 भारतीय राष्ट्रपति पद का रोड मैप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास। नेक्स्ट है, फायर ऑन द गंगेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और राधिका अयंगर के द्वारा फायर ऑन द गंगेज नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपनेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों यानी एम जे अकबर और के नटवर सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑन कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए विपुल रिकी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभय के। अगला प्रश्न है, भारत से ग्राफिक डिजाइन की प्रेरणा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए जया जेटली के द्वारा यह बुक लिखा गया है। अगला प्रश्न, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक बुक लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट टू सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा, आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीरान चड्ढा बोरनकर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च रिवर्स स्विमिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक टंडन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए टी एन सेसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नावेल अजय टू योगी आदित्यनाथ का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर वी जितिन प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की अन्य पुस्तकें हैं मिडनाइट चिल्ड्रेन द सैटेनिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 1981 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, चीफ मिनिस्टर डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेमंत बिश्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, मोदी सेपिंग ए ग्लोबल आर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जादूनामा नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया।
अगला प्रश्न है, फियरलेस गोबर ऑनलाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी के द्वारा। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर थी। वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की विजेता भी रहीं। किरण बेदी पुदुचेरी की 5 वर्ष तक उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रेत की समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास की लेखिका कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें एग्जाम वॉरियर्स, लेटर टू सेल्फ, सोशल हार्मोनी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बेलीव किस क्रिकेटर की जिमनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश रैना की। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट्स माय वे, सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, शेन वार्न का है नो स्पिन, ये फेमस किताबें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंबेडकर लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। शशि थरूर द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं एन ईरा ए डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवल, द बैटल ऑफ विलांगी। एन ईरा डार्कनेस के लिए 2019 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोद राय। विनोद राय भारत के 11वें नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक रह चुके हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI पुस्तक विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवदीत सिंह गिल। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ऑल टाइम फेवरेट ऑफ चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकें हैं सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ टू लिव योर लाइफ, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बर्नार्ड शुगर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनी दोषी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द सर्कल ऑफ रीजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है, द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है प्रणव मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है, द लाइट वी कैरिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशेल ओबामा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द लाइट वी कैरी। नेक्स्ट है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र सिंह यादव। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ इंसिडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी जैदी। अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त धोनी यानी कि दलाई लामा और डेसमंड टुटू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विल गेट्स के द्वारा यह बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष के द्वारा द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है, अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋचा मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज नाले सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। नेक्स्ट है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रचना विष्ट रावत। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी या पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स अपेंडमेंट एंड द पुअर नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघनाथ देसाई के द्वारा बुक लिखा गया है। अगला प्रश्न, इरफान खान ने लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुभ्रा गुप्ता के द्वारा बुक लिखी गई है। अनिष्ट है, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग बोहर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज COVID-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों यानी आशीष चंडोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव सान्यार। अगला प्रश्न है, तमिल उपन्यास कालापानी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम राजेंद्रन। नेक्स्ट है, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आमिश त्रिपाठी। नेक्स्ट है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन ईरा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी,
पी ज्योतिमणि और जी वालन के द्वारा यह बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों यानी कि विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा के द्वारा बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है, एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी KM चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्पॉर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कर्ण सिंह। नेक्स्ट है, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपाक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए साजन सिंह यादव। नेक्स्ट है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभय के। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी अनिरुद्ध भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीमंत कुकाटे। नेक्स्ट है, नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक पॉम्पियो। अगला प्रश्न, इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। नेक्स्ट है, कोचिंग बियॉन्ड माई डे विथ द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों यानी आर कौशिक और आर श्रीधर। नेक्स्ट है, क्रिकेटर एम एस धोनी ने किसकी आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए के अब्दुल गफ्फार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य रूप में लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, लेटेस्ट टू सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो नरेंद्र मोदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, GLS गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किरण वेदी ने। नेक्स्ट है, हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्याम शरण। अगला प्रश्न है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए गीता पिरामल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बॉर्डर ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर शेट्टी। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों ने यानी जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स ने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।